वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.7। एज वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट लेक्चर, एक्सरसाइज 5.7 में हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में। उसके रूल्स देखे थे, रेगुलेशन देखे थे, मेथड देखी थी एंड मैंने ये सब हिंट दे दी थी थोड़ी बहुत, बराबर। आज हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे ताकि अगर आपने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं तो फिर वेरीफाई करना ही बाकी रहेगा, एंड अगर आपने नहीं सॉल्व किए हैं देन यू जस्ट नीड टू अगेन गो थ्रू दी ऑल द क्वेश्चंस डिटेल में, बराबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सभी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 है और इसका हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट डेरिवेशन 2x प्लस 3 एंड सेकंड डेरिवेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स पर क्या होगा, दैट इज 2x का 2 एंड 3 का 0, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, लेट्स हैव सेकंड क्वेश्चन। y इक्वल टू x रेस टू 20, सो फॉर दैट डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 20 आगे पावर में कम, ओके, एंड सेकंड डेरिवेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स पर इक्वल टू 20 इंटू 19 इंटू एक्स रेस टू 18, ठीक है। इट मीन्स दैट आंसर इज 380 एक्स रेस टू 18, ओके। थर्ड क्वेश्चन, वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, देन फॉर दैट डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, 1 क्या होगा 1, ओके। सो फाइनली ये हो गया माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ सेकंड डेरिवेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगेन ये इसमें भी फर्स्ट ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जो है उस मल्टीप्लीकेशन में है, उसमें अगर हम लगाएं मल्टीप्लीकेशन का रूल तो पहले एक्स एज इट इज एंड माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, है ना, क्योंकि माइनस एज इट इज था साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस अब ये माइनस साइन एक्स दूसरा ब्रैकेट एज इट इज इंटू एक्स का 1, ठीक है, प्लस ये कॉस एक्स इंटू 1 मतलब कॉस एक्स होता है और उसका डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स। तो फाइनली इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स, ओके। तो फाइनली आंसर हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, वाई इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग x में अगेन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये मैंने बताया था आपको डायरेक्ट याद रखना है, वी डोंट नीड टू गो फॉर द मेथड, है ना, बार बार हम मेथड से नहीं जाएंगे, इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे और डायरेक्ट लिख भी सकते हो एग्जाम में, है ना, उसका भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब एज इट इज लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करती हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, ओके। अगेन इफ़ यू वॉन्ट नहीं, हम तो फाइंड करना ही चाहते हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा दो, है ना, 3 आगे एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। तो फाइनली अब आंसर बनाएंगे इसका सिंप्लीफाई करके तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स मतलब एक्स 3 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6x इंटू लॉग एक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर, ओके। हाँ, ये 2x प्लस 3x दैट इज 5x, सो फाइनल आंसर में और एक सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 5x प्लस 6x लॉग एक्स, ओके ओके। सिक्स्थ नंबर, ई रेस टू एक्स साइन 5x, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अगेन मल्टीप्लीकेशन रूल e रेस टू एक्स एज इट इज साइन 5x का हो जाएगा कॉस 5x इंटू 5, है ना, 5x का 5 प्लस
साइन 5x एज इट इज़ एंड e रेस टू x का डिफरेंशिएशन तो e रेस टू x ही होता है, तो उसको टच ही नहीं करते, बस एज इट इज़ रहने देंगे, बराबर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, e रेस टू x कॉमन निकाल लो, बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, है ना। ओके ये हो गया dy बाई dx। नाउ वी नीड टू गो विथ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई, अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस मल्टीप्लीकेशन करूँ ये दो टर्म के बीच में, ठीक है, ये दो टर्म के बीच में। तो पहले e रेस टू x एज इट इज़, और ये दूसरा जो ब्रैकेट है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 5 cos 5x का हो जाएगा माइनस 5 इंटू साइन 5x इंटू 5। ये पता चला क्या, ये cos का हो जाएगा माइनस साइन 5x, है ना, 5 तो पहले एज इट इज़ था, cos का माइनस साइन, और ये 5x का अलग से 5 प्लस अगेन ये साइन का cos 5x इंटू फिर 5x का 5 अलग से। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा भाई, तो e रेस टू x बार एज इट इज़, ये पीछे वाला टर्म पॉजिटिव है इसको आगे लिख लेता हूँ, 5 cos 5x, ठीक है, और ये आगे वाला टर्म नेगेटिव, 5 इंटू 5 दैट इज 25 साइन 5x। ओके और हमने कहाँ पे गलती की पता है आपको, ये आंसर नहीं है, है ना, ये आंसर नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया पता है, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाया था, ये फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज़, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट किया था, अब सेकंड वाला टर्म एज इट इज़ एंड फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना बाकी है भाई, है ना। तो सेकंड वाला टर्म एज इट इज़ 5 cos 5x एज इट इज़, 5 cos 5x प्लस साइन 5x एज इट इज़, एंड ये आगे वाला जो e रेस टू x उसका डिफरेंशिएशन भी e रेस टू x ही होगा, है ना। अब फाइनली अगर मैं फाइंड करूँ आंसर तो क्या होगा, तो देखो ये पहले वाला टर्म एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, प्लस e रेस टू x इंटू 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। अब दोनों में से e रेस टू x कॉमन निकाल लूँ तो फाइनली cos वाले दो टर्म मिल जाएंगे, ये cos वाला टर्म और यहाँ पे ये वाला, तो 5 + 5 = 10 cos 5x, ठीक है, एंड साइन साइन वाले दोनों टर्म साथ में रखो तो -25 + 1 दैट इज -24 sin 5x, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या कॉमन निकालूँगा, 2 कॉमन निकल सकता है, 2 e रेस टू x इंटू क्या बचा, 5 cos 5x -12 sin 5x, दैट इज अवर आंसर। ओके ओके 7 नंबर, लेट्स फाइंड dy by dx फर्स्ट, e रेस टू 6x एज इट इज़, cos 3x का डिफरेंशिएशन -sin 3x इंटू 3 प्लस cos 3x एज इट इज़, e रेस टू 6x का डिफरेंशिएशन e रेस टू 6x इंटू 6, ठीक है। अब इसमें से भी अगेन मैं चाहूँ तो कॉमन निकल सकता हूँ, कितना, 3 कॉमन निकल सकता हूँ एंड e रेस टू 6x कॉमन निकल सकता हूँ, है ना, 3 इंटू e रेस टू 6x कॉमन, तो क्या बचेगा भाई, तो पीछे बचेगा 2 cos 3x और आगे बचेगा -sin 3x, है ना। अगेन वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन का रूल, बराबर, ये dy by dx है तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब वापस डिफ्रेंशिएट करने पे मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाएंगे, 3 तो पहले एज इट इज़ रखता हूँ, दोनों में 3 एज इट इज़ लिखते जाऊँगा, e रेस टू 6x को चलो एज इट इज़ रखा एंड मैंने क्या बताया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, किसको, पीछे वाले को, तो 2 cos 3x का हो जाएगा -2 sin 3x इंटू 3, ठीक है, cos 3x का -sin 3x इंटू 3 -sin 3x का cos 3x इंटू 3, ठीक है। ये हो गया सेकंड डेरिवेशन, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ था, अब फर्स्ट को सेकंड को एज इट इज़ रखते हैं, तो अगेन सेकंड एज इट इज़ मतलब 2 cos 3x -sin 3x एज इट इज़, बराबर, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा फर्स्ट मतलब ये पूरा फर्स्ट गिन लो ना अभी थोड़ी देर के लिए, ताकि कन्फ्यूजन 3 का रहे ही नहीं, है ना, ये पूरा फर्स्ट जो टर्म था वो एज इट इज़ था और सेकंड का डेरिवेशन किया, बराबर, प्लस अब सेकंड टर्म एज इट इज़ रखा एंड फर्स्ट का डेरिवेशन, तो फर्स्ट मतलब 3
एज इट इज ई रेस टू सिक्स एक्स का ई रेस टू सिक्स एक्स इन टू सिक्स। चलो अब इसको फाइनली सिंप्लीफाई करना है, क्या कॉमन निकलेगा, तो थ्री इन टू सी ई रेस टू सिक्स एक्स तो वैसे भी कॉमन निकल जाएगा, जो बचा कुछ है उसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस सिक्स साइन थ्री एक्स साइन थ्री एक्स माइनस थ्री कॉस थ्री एक्स, इस तरफ थ्री ई रेस टू सिक्स एक्स कॉमन बराबर, तो ये सिक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, तो बन जाएगा सिक्स टू जै ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व कॉस थ्री एक्स माइनस सिक्स साइन थ्री एक्स। ठीक है, तो फाइनली आंसर बन गया थ्री इंटू ई रेस टू सिक्स एक्स, साइन वाले दो टर्म उसका सब्ट्रैक्शन, माइनस ट्वेल्व साइन थ्री एक्स प्लस ये ट्वेल्व में से थ्री जाएगा तो बचेगा नाइन कॉस थ्री एक्स, एंड अगर चाहो तो इसमें से अगेन थ्री कॉमन निकाल सकते हो, तो फाइनली आंसर बन जाएगा मेरा थ्री कॉमन, तो थ्री सीजा नाइन ई रेस टू सिक्स एक्स, ये पॉजिटिव वाला टर्म आगे लिख लेता हूँ, थ्री कॉस थ्री एक्स माइनस फोर साइन थ्री एक्स। ओके नंबर एट, लेट अस फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एंड अगेन सेकंड डेरिवेशन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वैसे तो इसमें डिवीजन रूल भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करना है तो क्या करना है, मैंने क्या बताया था, सब वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वन बाई समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपन समथिंग स्क्वायर, है ना, ये जो भी समथिंग है उसका स्क्वायर इंटू ये जो भी समथिंग है उसका डिफरेंशिएशन अलग से, है ना, उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लो बस, तो यही मेथड यहाँ पे लगानी है, तो पहले तो वन बाई समथिंग का माइनस वन अपन समथिंग का स्क्वायर, ठीक है, ये समथिंग का स्क्वायर इनटू, अब ये जो भी समथिंग है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वन का जीरो एंड एक्स स्क्वायर का टू एक्स, खत्म, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो फाइनली आंसर बन जाएगा माइनस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, ये मेथड से क्या होगा कि आप कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड से कर पाओगे, है ना, वन बाई समथिंग का माइनस वन अपन समथिंग स्क्वायर, जैसे ही वन बाई एक्स का माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर था वैसे ही वन बाई समथिंग का माइनस वन अपन समथिंग स्क्वायर इंटू फिर वो जो भी समथिंग है उसका डिफरेंशिएशन। ओके ओके वाई इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो चलो डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं पहले, तो पहले बाहर के लॉग से स्टार्ट करते हैं, तो बाहर का लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपन अंदर जो भी है वो वन अपन लॉग एक्स, फिर अंदर वाले का लॉग एक्स का क्या होगा वन अपन एक्स, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेशन। ओके इसको मतलब सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये क्या है कि अल्टीमेटली वन अपन एक्स लॉग एक्स ऐसा है बराबर। नाउ इफ़ यू फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो पहले तो ये वन अपन समथिंग का माइनस वन अपन समथिंग का स्क्वायर, है ना, ऐसे, ठीक है, माइनस वन अपन समथिंग का स्क्वायर इनटू, अब ये जो भी समथिंग है दैट इज एक्स लॉग एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना है ना इसका, तो पहले एक्स एज इट इज लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन वन। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या बन गया भाई, यहाँ पे दो एक्स कैंसिल होके बन गया वन, तो फाइनली ये वन प्लस लॉग एक्स न्यूमरेटर में माइनस आ गया एज इट इज और नीचे हो गया एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स पहले, साइन का हो जाएगा कॉस अंदर जो भी है वो एज इट इज़, एंड फिर लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाई एक्स, तो ये हो गया कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, है ना, कॉस लॉग एक्स बाई एक्स मतलब नीचे एक्स है अल्टीमेटली, क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में एक्स है। नाउ इफ़ यू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, सो लेट अस पुट डिनोमिनेटर स्क्वायर बराबर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर कॉस लॉग एक्स का क्या होता है भाई, तो माइनस साइन कॉस का माइनस साइन अंदर जो भी है वो एज इट इज़, फिर लॉग एक्स का वन बाई एक्स, ठीक है, नेगेटिव आगे मतलब बीच में, फिर कॉस लॉग एक्स एज इट इज़ न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड डिनोमिनेटर एक्स का डिफरेंशिएशन वन। ओके सो फाइनली ये बन गया अपना फाइनल आंसर। अब ये एक्स और ये एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या भाई ऊपर, तो ऊपर माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, मतलब दोनों के नेगेटिव को कॉमन निकालूंगा तो साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, है ना, और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर इंटू दिस वन,
है ना, इनटू दिस वन, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया टेंथ नंबर। फिर स्टार्ट करते हैं 11 नंबर। तो ये अगेन एग्जांपल में इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताता हूँ फटाफट से। dy वाई बाई डी एक्स, फाइव कॉस एक्स का फाइव माइनस फाइव साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस थ्री साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करने पे वापस माइनस फाइव एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स, एंड माइनस थ्री एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस, है ना, कॉस एक्स का माइनस माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, है ना, तो ये माइनस साइन एक्स इसका डिफरेंशिएशन आगे नेगेटिव था, वो दोनों मिलके हो गया प्लस। तो फाइनली अगर इसको मैं डायरेक्टली करना चाहूँ सिंप्लीफाई, तो ये जो इसमें दोनों में अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकालूँ ना, तो ये हो जाएगा फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा वाई, है ना, ये बहुत बार हमने सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पे वाई बन जाता है। देखो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स वाले हर एक क्वेश्चन में मोस्टली ऐसा ही हो जाता है, यहाँ पे वाई बन जाता है वापस। तो ये हो गया वाई, तो बस रख लो वाई, रिप्लेस कर लो, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइन इक्वल टू माइनस वाई, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, वही आपका आंसर, है ना, आंसर प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, देन फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, मतलब इसका आंसर वाई में चाहिए, बराबर। तो डी वाई बाई डी एक्स, हम डी स्क्वायर बाई डी एक्स जब फाइंड करेंगे ना, तो मोस्टली हमको आंसर एक्स के फॉर्म में मिलता है, बराबर। तो जहाँ पे एक्स है उसको अगेन रिप्लेस कर लेंगे वाई से, बराबर। तो या तो हम क्वेश्चन में आंसर पहले बना लेंगे उसके बाद वाई से रिप्लेस करेंगे, या फिर पहले से ही हमारा क्वेश्चन में से एक्स निकल जाए ऐसा सोचेंगे, है ना, वाई के फॉर्म में ही कुछ आंसर पहले से ही बनने लगे वो सोचेंगे, बराबर। दोनों तरीके से कर सकते हो। तो अगर मुझे पहले से ही करना है तो मैं क्या करूँगा, ये इसमें लिखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, ये कॉस इनवर्स को इस तरफ लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल टू x, बराबर। ये x इक्वल टू कॉस y हो गया। अब मैं अगर इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करूँ तो x निकल जाएगा, देखो कॉस y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y, है ना, और ये माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y का अलग से है भाई, y का अलग से डिफ्रेंशिएशन होता है भाई, साइन कॉस का माइनस साइन y एंड y का डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, इसलिए एंड एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाएगा। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिल गया माइनस वन अपन साइन वाई, है ना, मतलब अल्टीमेटली माइनस कोसेक वाई, क्या हो गया, माइनस कोसेक वाई। ठीक है, अब बस अगर मैं इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव करता हूँ तो फिर ये अगेन वाई के फॉर्म में ही आंसर देगा, अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, एक्स तो निकल गया, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप में चलो इतना काम हो गया, अब सेकंड डेरिवेशन करने पर क्या होगा, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगेन सेकंड डेरिवेशन, बराबर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये कोसेक वाई का हो गया, कोसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, माइनस कोसेक इंटू कॉट, बराबर, माइनस कोसेक इंटू कॉट, ये कोसेक का हुआ, बराबर, ये कोसेक का हुआ, वाई का बाकी है तो वाई का अगेन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये अगेन माइनस माइनस प्लस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, और ये dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास, दैट इज़ माइनस कोसेक वाई, माइनस कोसेक वाई, तो इसको माइनस कोसेक वाई से रिप्लेस कर लो, है ना। तो फाइनली माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, यही आपका आंसर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एंड अगर समझ लो आपने पहले से ही इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो फिर आपको बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। छोटी सी हिंट दे देता हूँ, चलो यहाँ पे अगर समझ लो आपने y इक्वल टू कॉस इनवर्स x को पहले से ही डिवाइड बाई डी एक्स कर लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स का क्या होगा, माइनस वन अपन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स का। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर बन गया x के फॉर्म में। इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट कर लोगे, सपोज एक बार वापस डिफरेंशिएट करोगे तो डेफिनेटली ये तो बड़ा ही होगा, बट फिर भी अगर आपने कर लिया तो x के फॉर्म में ही होगा, एंड लास्ट में फिर x की जगह आप ये x को सब्जेक्ट बना के बनेगा ना, x इक्वल टू कॉस वाई, फिर लास्ट में जहाँ जहाँ पे x मिले वहाँ पे कॉस वाई लिख लो, है ना, या फिर यहाँ पे भी x इक्वल टू कॉस वाई लिख के फिर सेकंड डेरिवेटिव करो, है ना। यहाँ पे अगर x की जगह कॉस वाई लिखते हो, x की जगह कॉस वाई लिखते हो, तो क्या बन जाएगा, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, है ना, ये क्या बन जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई बन जाएगा,
और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई बन जाएगा साइन स्क्वायर वाई, और अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर वाई मतलब साइन वाई है ना, अंडर रूट ऑफ ये अंडर रूट के अंदर आएगा ना ये पूरा टर्म, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, अंडर रूट साइन स्क्वायर वाई मतलब साइन वाई, तो ये हो गया ना देखो माइनस 1/ साइन वाई, तो यहाँ पर ये वाला टर्म बन जाएगा। फिर इसके बाद की प्रोसीजर तो एज इट इज़, ठीक है। अब ये 13 नंबर का क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ही कर लिया है बराबर, तो जस्ट रिफ़र कर लो एक बार, हमने ऑलरेडी सॉल्व करवाया था ये क्वेश्चन, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ डिनोमीटर में जो चीज़ है वो यहाँ पर यहाँ से इस तरफ भेजने वाली चीज़ थी, और इससे हमको फाइनली ये वाला कुछ इक्वेशन बनाना था, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाया था। सो फॉर देट मैंने एक मेथड दिखाई थी, वही मेथड यहाँ पर भी लग जाती थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार देख लो वापस अगर भूल गए हो तो, बराबर। लेट्स हैव 14 नंबर का क्वेश्चन, ओके 14 नंबर में देखते हैं। वैसे क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि वाई कोड ए रेस्ट एम एक्स प्लस बी ई रेस्ट एन एक्स है ना, तो ये वाली जो चीज़ प्रूव करने वाली है इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, डीवाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनानी ही पड़ेगी, और वो बना के फिर हम एल एच एस के अंदर रख देंगे और उसके इक्वल टू आर एच एस प्रूव कर लेंगे ना, ये वाली चीज़ हम एक बार तो सोच ही सकते तुरंत ही, बराबर। दूसरा क्या है कि अगर मुझे इस इक्वेशन से ये वाले इक्वेशन में डायरेक्टली पहुंचना है तो बाय चांस कभी कभी पहुंच जाते हैं, बाय चांस कभी कभी आपको ये प्रोसेस में फर्स्ट डेरिवेशन एंड सेकेंड डेरिवेशन की प्रोसेस में ही आपको दिख जाता है कि भाई यहाँ पे तो ऊपर की चीज़ें कुछ रिप्लेस कर लो तो वापस ये फाइनल इक्वेशन जैसी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा ना। और उसके लिए एक स्पेशल मेथड मैंने आपको बोली लास्ट लेक्चर में, इसके लिए एक स्पेशल मेथड है, अगर आपको इस इक्वेशन में डायरेक्टली पहुंचना है तो विदाउट यूजिंग दैट एलएचएस आरएचएस रूल, अगर डायरेक्टली पहुंचना है तो हम 12th में सेमेस्टर 4 में एक मेथड देखेंगे ना, जो पार्ट 2 है उसमें एक मेथड देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में, देन डेफिनेटली वहाँ पर फिर आप इसके अंदर जो डायरेक्ट प्रूव वाली जो मेथड है ना वो हम देख लेंगे वहाँ पर, तो अगर इसके अंदर कोई ट्विस्ट छोटा मोटा पूछ ले तो वहाँ पर वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम ये चैप्टर में तो ये वो वाली मेथड नहीं देखेंगे, अगर पॉसिबल डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो फिर हम एलएचएस आरएचएस रूल ही देखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं अगर डायरेक्टली हो जाता है तो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, एलएचएस आरएचएस में वैल्यू रख देंगे, ओके। सो लेट्स हैव वाई इक्वल टू क्या है, ए ई रेस टू एम एक्स प्लस बी ई रेस टू एन एक्स, ओके। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा देखो, तो a इंटू ई रेस टू एम एक्स इंटू एम, बराबर ई रेस टू एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एम एक्स और एम एक्स का अगेन m, प्लस b एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है ई रेस टू एन एक्स का ई रेस टू एन एक्स इंटू एन, ओके। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन तो मिला ही नहीं, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है मतलब ये वाली चीज़ तो कहीं पे दिख ही नहीं रही है ना। अगेन समझ लो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो और उसके बाद भी देखने की कोशिश करो, मैं भी चांसेस है कि अगर देखने को मिले कुछ, बट आई डोंट थिंक सो ये वाले क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, कुछ हिंट नहीं मिलेगी जिससे हम y एंड dy बाई dx का कुछ फॉर्मेट यहाँ पे देख सके, है ना। तो एक बार और चलो ट्राई करते हैं डिफ्रेंशिएट करने की, चलो यहाँ पे m इंटू ए ये दोनों कॉन्स्टेंट है बराबर, एंड ई रेस टू एम एक्स का ई रेस टू एम एक्स इंटू एम प्लस b इंटू एन ये दोनों कॉन्स्टेंट n b कॉन्स्टेंट ई रेस टू एन एक्स का ई रेस टू एन एक्स इंटू एन, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास एम ए एम मतलब एम स्क्वायर ए e रेस टू एम एक्स प्लस एन बी इंटू एन मतलब एन स्क्वायर बी ई रेस टू एन एक्स, ये आंसर हो गया, ओके okay? चलो तो अब मैं क्या करूँगा, ये इसमें कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, है ना, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और वाई के फॉर्मेट में कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर यहाँ से डायरेक्टली तो प्रूव नहीं कर सकते। मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स दोनों की वैल्यू एल एच एस के अंदर रख देता हूँ, ओके okay? ओके तो ये एल एच एस है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पे रही, चलो रिप्लेस कर लेते हैं, एम स्क्वायर ए रेस टू एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई रेस टू एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एम प्लस एन इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है एम ए रेस टू एम एक्स, क्या है एम ए ई रेस टू एम एक्स प्लस एन बी ई रेस टू एन एक्स, आई थिंक सो है ना, एन बी ई रेस टू एन एक्स, ओके प्लस एम एन वाई,
अब ये सभी कुछ सिंप्लीफाई होके कैंसिल वैंसिल होके जीरो आ जाना चाहिए एनी हाउ, है ना। तो चलो देखते हैं, पहले इसमें तो कुछ चेंजेस होगा नहीं, ये तो एज इट इज़ आगे वाले दोनों टर्म। फिर यहाँ पे फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकंड, सेकंड विथ फर्स्ट एंड सेकंड विथ सेकंड ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी टर्म नेगेटिव रखेंगे बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, है ना। तो माइनस ऑफ एम स्क्वायर ए ई रेस टू एम एक्स, फर्स्ट विथ सेकंड करेंगे तो माइनस एम एन बी, एम एन बी ई रेस टू एन एक्स, फिर माइनस सेकंड फर्स्ट एम एन, एम एन ए, एम एन ए ई रेस टू एम एक्स, एंड लास्ट में माइनस, लास्ट इज लास्ट, माइनस एन स्क्वायर बी ई रेस टू एन एक्स, ठीक है। ओके प्लस एम एन वाई। सो अच्छा वाई की वैल्यू हमने रिप्लेस कर ली होती तो अच्छा रहता, वाई की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लो, तो ये प्लस एम एन, वाई की वैल्यू क्या थी, ए ई रेस टू एम एक्स प्लस बी ई रेस टू एन एक्स, क्योंकि फिर वो लास्ट में उसी की वजह से आंसर नहीं आता है ना। अब ये एम एन इसको मल्टीप्लाई कर लेते, एम एन ए ई रेस टू एम एक्स प्लस एम एन बी ई रेस टू एन एक्स। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे तुरंत ये दिख गया, फिर एम एन बी ई रेस टू एन एक्स कैंसिल, एम स्क्वायर ए ई रेस टू एम एक्स इसके साथ कैंसिल, एन स्क्वायर बी ई रेस टू एन एक्स इसके साथ कैंसिल। सो व्हाट यू कैन सी, एवरी टर्म इज कैंसल्ड, आंसर इज जीरो। तो ये है आर एच एस, है ना। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, फाइनली वी गॉट द आंसर, है ना। बस इसी तरीके से आप आराम से आंसर बना सकते हो, बस ये कैलकुलेशन थोड़ा बहुत रहेगा और इसमें कहीं पे एरर नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट द मेन टास्क फॉर यू, है ना। इसमें कहीं पे एरर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर छोटी मोटी भी एरर आ गई मल्टीप्लिकेशन में, डेफिनेटली यू वॉन्ट गेट योर आंसर, आपको आंसर आपका नहीं मिलेगा, है ना। ओके अभी ये 14th नंबर हो गया, अब तीन क्वेश्चन बाकी है। ओके नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।